यूपी के झांसी में कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। कोरोना संक्रमित हुई महिला पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ गई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। अब उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। बता दें, इस मौके पर जिलाधिकारी आंध्रावांसी, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य साधना कौशिक और सीएमओ समेत पैरामेडिकल के पूरे स्टाफ ने महिला को फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर उसकी हौसला अफजाई की। झांसी में लगभग 21 कोविड केसेस पॉजिटिव पाए गए थे और 21 पॉजिटिव केसेस में दो केसेस की मौत हुई थी, जिसमें अन्य गंभीर बीमारी है और इमरजेंसी में आए तो फिर तो इमरजेंसी में उनकी डेथ भी हुई थी। साथ में अभी जो 19 केसेस में आज दोबारा सारी टेस्ट कराना पड़ा था और टेस्ट में भी लगभग 7 केसेस नेगेटिव निकल के आए। और जो पहला पेशेंट है उनका 14 दिन पूरी हो गया, तो फिर इसको हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। और वर्तमान में झांसी जनपद में लगभग 12 केसेस है जो कोविड पॉजिटिव्स हैं। और साथ में ये देखना है कि परसों जो हमारा कॉन्स्टेबल्स जो दो लोगों का जो पॉजिटिव आया था वो आज नेगेटिव हो गया, और एक जलालपुरा गांव से जो पॉजिटिव आया था वो भी नेगेटिव हो गया, और आज एक नया केस आया है जो सायरा बेगम नाम से है, 80 साल की महिला है सिपरी में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये यहाँ की जो टेंडेंसी है पॉजिटिव तुरंत नेगेटिव हो रहा है, और जो जिनकी गंभीर बीमारी जैसे डायबिटिक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं, जैसे कोई इन्फेक्शंस है जिसकी इलाज ठीक ठाक नहीं हो पाई है, और उन लोगों का तो ज़्यादा खतरे में है। और ऐसे कोई भी मरीज़ हो वो थोड़ा सतर्क रहे सोशल डिस्टेंसिंग पैटर्न पे और अपना मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। साथ में ये भी कहना है कि इन लोगों का जो भी नेगेटिव आया है इनको 14 दिन के बाद इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करके ही हम लोग रिलैक्स कर देंगे। और शहर में इस वक्त 3 हॉटस्पॉट घोषित किया गया, एक तो ओरचा गेट की इलाका है, दूसरा सिपरी बाज़ार है, दीनदयाल नगर सिपरी बाज़ार, और तीसरा कोतवाली एरिया की जो बहजाद नाम से जिनकी मौत हुई उस एरिया की है। और माधव घोष जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो सारे लोगों की सैंपलिंग की गई, वहाँ पर सब नेगेटिव आया था। और अब सिपरी बाज़ार का भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ भी हम लोग सैंपल टेस्ट करके रिजल्ट जल्दी से जल्दी।